नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं नवीन इस समय मौजूद हूं स्टूडियो में, और आज मेरे साथ इन पर चर्चा करने के लिए मौजूद है खेल विशेषज्ञ बोना पार्थसारथी। बोना, कार्यक्रम में आपका स्वागत। धन्यवाद। नमस्कार श्रोताओं, नजर अब तक की खास खबरों पर। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में नाओमी ओसाका का मुकाबला जेनिफर ब्रैडी से। अंकित नरवाल ने एड्रियाटिक पर्ल मुक्केबाजी टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ चार क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला के अंतिम दो मुकाबलों के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। और इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल क्रिकेट के 14वें सत्र की नीलामी में दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। मोना, साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन बिल्कुल अपने अंतिम चरणों में पहुंच चुका है और उसमें उलटफेर अब भी जारी है। और अगर आज हुए खेलों की बात करें तो महिला सिंगल्स में नाओमी ओसाका ने हरा दिया है सेरेना विलियम्स को और अब उनका मुकाबला जेनिफर ब्रैडी से होगा। वहीं पुरुष सिंगल्स में नोवाक जोकोविच ने फाइनल में जगह बना ली है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं निखिल की रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आज महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबलों में उलटफेर देखने को मिला। पहले सेमीफाइनल में जापान की नाओमी ओसाका ने अमेरिका की सेरेना विलियम्स का 24वां ग्रैंड स्लैम जीतने का सपना तोड़ दिया। सेमीफाइनल में नाओमी ने सेरेना को लगातार सेटों में 6-3 6-4 से हराकर वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम के फाइनल में जगह पक्की की। सेरेना 9वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची थी, वो 7 बार खिताब जीत चुकी हैं, जबकि नाओमी ने फरवरी 2020 के बाद से ग्रैंड स्लैम में एक भी मुकाबला नहीं हारा है। ओसाका दूसरी बार फाइनल में पहुंची है, इससे पहले 2019 में वो खिताब जीत चुकी हैं। दूसरे सेमीफाइनल में जेनिफर ने चेक गणराज्य की कैरोलिना मुचोवा को 6-4 3-6 6-4 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल में तीसरी वरीयता प्राप्त जापान की नाओमी ओसाका और अमेरिका की जेनिफर ब्रैडी आमने सामने होंगी। जेनिफर ब्रैडी पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स की बात करें तो आज खेले गए सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के एस्लान कास्पारोव को 6-3 6-4 6-2 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। दूसरे सेमीफाइनल में कल चौथी वरीयता प्राप्त रूस के डेनिल मेदवेदेव का सामना 5वीं वरीयता प्राप्त ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास से होगा। सित्सिपास ने क्वार्टर फाइनल में स्पेन के राफेल नडाल को 3-6 2-6 7-6 6-4 7-5 से पराजित कर उलटफेर किया। वहीं पुरुष डबल्स में क्रोएशिया के इवान डोडिक और स्लोवाकिया के फिलिक पोलसेक की जोड़ी ने क्रोएशिया के मैट पेविक और निकेला मैक्टिक की जोड़ी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। महिला डबल्स के फाइनल में कल बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा की जोड़ी का सामना एलिस मार्टेंस और एरिना सबलेंका की जोड़ी से होगा। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स कैन। मुना, ऑस्ट्रेलियन ओपन की उलटफेर जारी है और आज जिस तरह सुबह भारतीय समय के अनुसार मैच खेला गया उसमें ओसाका ने बहुत ही यूं कही कि बहुत ही सीधे सेटों में 6-3 6-4 से हराकर एक तरफा मुकाबला। और मैं इसे उलटफेर नहीं कहूंगी, क्योंकि अगर हम सेरेना और ओसाका के पिछले मुकाबलों की बात करें तो पिछले कुछ समय में ओसाका का पल्लड़ा जरूर उन पर भारी रहा है और वो जबरदस्त फॉर्म में है। 2019 से ग्रैंड स्लैम में मैच हारी नहीं है। और सेरेना का मुझे लगता है हर एक खिलाड़ी का एक प्राइम होता है जिसमें वो अपने प्रदर्शन में चरम पर होता है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अब उनका बीतता नजर आ रहा है, क्योंकि 2017 में ऑस्ट्रेलियन ओपन ही वो टूर्नामेंट था जहां वो उन्होंने आखिरी बार खिताब जीता था। 4 साल हो गए उस बात को, और हर बार ग्रैंड स्लैम आता है हम 24 ग्रैंड स्लैम रिकॉर्ड की बात करते हैं कि अब शायद वो बराबरी करेंगी। और इतनी आहत है वो इस हार से, क्योंकि वो खुद स्वीकार कर रही थी कि उन्होंने बहुत खुद गलतियां की, अपने खेल पर उनका नियंत्रण नहीं था, कहीं ना कहीं उनका फोकस भटका हुआ था। तो मुझे लगता है यहाँ कुछ मानसिकता की बात है कि जहां वो अटकी हुई है वो मेंटल ब्लॉक से निकल नहीं पा रही है। मेंटल ब्लॉक के अलावा अगर हम फिटनेस की बात करें, शी इज गोइंग टू बी अ 40 के आसपास की हो रही हैं, और वही नाओमी ओसाका एकदम यंग एकदम और ये है। ऐसा खेल है, दमखम और स्टेमिना का खेल है, तो यहाँ ये बात बहुत मायने रखती है, क्योंकि पावर गेम सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स को श्रेय जाता है टेनिस में लाने का, लेकिन 40 के आसपास वो हो चुकी है। अब वो पहले की तरह उनके रिफ्लेक्सेस भी बॉडी के नहीं है, तो ये एक मुद्दा तो है ही, लेकिन फॉर्म भी वो अभी उस फॉर्म में नहीं है जिसके लिए वो सेरेना विलियम्स जानी जाती है। तो नाओमी ओसाका प्रबल दावेदार पहले से मानी जा रही थी टूर्नामेंट में, और इसी मुकाबले पर सभी की नजरें थी, तो मुझे लगता है ये उन्होंने अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन किया है। अगर आज के मैच की बात करें तो उन्होंने 6-3 6-4 से विलियम्स को हराया।
पहले गेम के अंदर 6-3 की जब बात करें तो हालांकि जो पहला गेम था उसमें नाओमी ओसाका की सर्विस ब्रेक करी थी इन्होंने और कहीं लग रहा था कि शायद ये गेम जीत जाए, लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत आसानी से हरा दिया। बहुत आसानी से, एक समय उन्होंने 5-0 से लीड करी थी और उसके बाद एक गेम में, और उसके बाद एकदम से लगा कि अचानक उन्होंने अपनी लय खो दी, वो दबाव में नजर आने लगी, थकी हुई नजर आने लगी और ओसाका ने उनकी गलतियों का पूरा फायदा उठाया और ये मैच अपने नाम किया। इससे पहले क्वार्टर फाइनल की अगर हम बात करें तो सिमोना हालेप के साथ जब इनका मैच था उस समय भी यही कहा जा रहा था कि सिमोना हालेप जो है जीत जाएंगी, लेकिन सिमोना हालेप नहीं जीती, वहां पे इनकी दमखम और इनका एक्सपीरियंस बहुत काम आया, बहुत काम आया। और रोमानिया की हालेप जो है वो ग्रैंड स्लैम विनर रह चुकी हैं और उसी मुकाबले में भी एक्चुअली सेरेना को बैक टू बैक दो दमदार प्रतिद्वंद्वी मिल गए और अभी मुझे लगता है कि वो उसी मुकाबले में इतनी ज्यादा थक चुकी थी और इतना ज्यादा हाइप हो गया था उस मैच को भी लेकर, तो वो उसको उस दबाव को लगातार झेल नहीं पाई। और अब जेनिफर ब्रैडी और नाओमी ओसाका, बहुत जबरदस्त मैच बिल्कुल होना चाहिए और मैं तो चाहूंगी कि एक नया ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन यहां से निकलकर आए। जेनिफर ब्रैडी भी बड़ी प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, हालांकि 22वीं रैंकिंग की खिलाड़ी है, लेकिन ग्रैंड स्लैम में पहली बार वो ओसाका जैसी धुरंधर से भिड़ेगी और एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। पिछले मैच में उन्होंने कैरोलिना मोचोवा को 6-4, 3-6, 6-4 से हरा गया, एक सेट जो है वो हार भी गई थी, उसके बावजूद उन्होंने कम बैक किया। लेकिन ओसाका के खिलाफ, हालांकि वो ग्रैंड स्लैम में नहीं खेली है, लेकिन जो बाकी टूर्स में उनके मुकाबले हुए हैं, ओसाका का पलड़ा थोड़ा भारी है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूं कि ये टेनिस का खेल इतना अप्रत्याशित है कि कभी कुछ कहा नहीं जा सकता इसमें। और मोना नोवाक जोकोविच बहुत ही सीधे सेटों में 6-3, 6-4, 6-2 से हरा के उन्होंने अपना वर्चस्व दिखाया कि हाँ मैं ही अभी एक ऐसा खिलाड़ी हूँ जी। वो हमेशा बात करते हैं नवीन जी की, फेडरर और रफा की हम बात करते हैं कि ये दौर इन दो खिलाड़ियों की प्रतिद्वंदिता का है, लेकिन नोवाक जोकोविच को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। वो उसी जमात के खिलाड़ी हैं और वाकई में इतना एफर्टलेसली वो फाइनल सेमीफाइनल तक पहुंच जाते हैं बिना किसी हो हल्ले के, कि लगातार जिसको कहते हैं निरंतरता खेल में बहुत महत्वपूर्ण होती है और निरंतरता का वो जागता ज्वलंत उदाहरण है नोवाक जोकोविच। मुना, आज के मैच में नोवाक जोकोविच ने सीधे सेटों में हराया जैसा कि अपेक्षित था, लेकिन अब जो अगला सेमीफाइनल है वो डेनियल मेदवेदेव और सिटसिपास, ये बहुत जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। सिटसिपास ने जो तेवर दिखाए राफेल नडाल के खिलाफ, उम्मीदें बहुत जगाई हैं और डेनियल मेदवेदेव के तो मुकाबले ही वैसे ही रोमांचक होते हैं, तनावपूर्ण होते हैं, तो ये दोनों बड़े आक्रामक खिलाड़ी हैं और इनका, मेदवेदेव का तो पिछले साल का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा रहा है, आखिरी टूर फाइनल में उनका प्रदर्शन शानदार था, तो एक जबरदस्त और रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन सिटसिपास मानसिक रूप से बहुत सशक्त होंगे क्योंकि वो ऑलरेडी नडाल को हराकर, और वो भी 5 घंटे चला मुकाबला, बिल्कुल मैराथन मुकाबला था, तो कई बार ऐसा होता है कि इसके पॉजिटिव्स भी होते हैं नेगेटिव्स भी होते हैं, क्योंकि आप पिछला ही मैच इतना जबरदस्त लंबा खेलकर आए हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, लेकिन इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि आप एक जायंट किलर के रूप में इस मैच में उतरेंगे, तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर होगा विरोधी खिलाड़ी पर। अगर हम आपसे पूछे कि मेदवेदेव या सिटसिपास, एक गेस कौन आगे जा सकता है? देखिए, पर्सनल फेवरेट तो मैं चाहूंगी सिटसिपास ही आगे जाएं, क्योंकि रफा को हराया है उन्होंने तो वो डिजर्व करते हैं जीतना, और हमें एक अच्छा मुकाबला फाइनल में देखने को मिलेगा। और अब बात क्रिकेट की, भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के अंतिम 2 मुकाबलों के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। तेज गेंदबाज उमेश यादव को शार्दुल ठाकुर की जगह शामिल किया गया है, हालांकि टीम में उन्हें फिटनेस टेस्ट के बाद ही जगह मिलेगी। भारत और इंग्लैंड के बीच अंतिम दोनों टेस्ट मैच अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में खेले जाएंगे। तीसरा टेस्ट मैच दिन रात्रि का होगा और गुलाबी गेंद से होगा, और जब दिन रात्रि का मैच होगा तो शाम के वक्त ओस भी होगी, हवा भी हल्की सी होगी और तेज गेंदबाजी को शायद वहां पे बहुत फायदा पहुंचेगा। बिल्कुल, और मुझे लगता है अनुभव को ध्यान में रखते ही उमेश को रखा गया है, क्योंकि जब गुलाबी गेंद से खेलते हैं तो जो सूर्यास्त का समय होता है उस समय जो रोशनी आती है उसमें गेंदबाजी करना बहुत मुश्किल होता है, और वहां पर आपका अनुभव बहुत काम आता है, और उमेश काफी अनुभवी तेज गेंदबाज हैं। और बाकी अगर हम आक्रमण की बात करें तो भारत ने वैसे भी गुलाबी गेंद से एक ही मैच खेला है बांग्लादेश के खिलाफ ईडन गार्डन्स पर, बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए और थोड़ा वर्कलोड बाकी गेंदबाजों का कम करने के लिए एक अनुभवी गेंदबाज को जगह दी। और अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो क्या भारतीय टीम 3 पेस बॉलर जसप्रीत बुमराह, ईशान
प्रशांत और मोहम्मद सिराज के साथ उतर सकती है। अगर ऐसा होगा तो फिर उमेश को चांस नहीं मिलेगा। देखिए पिछले मैच में तो स्पिनरों की तूती बोली है, आर अश्विन हो चाहे अक्षर पटेल हो, पदार्पण मैच में ही उन्होंने 5 विकेट लेने का कारनामा किया है। लेकिन यहां पर हमें यह देखना होगा कि वो चेपॉक की पिच थी और टर्निंग पिच थी, और अब ये मोटेरा स्टेडियम है, बिल्कुल नया स्टेडियम है, रिफर्निश्ड है और बहुत टाइम बाद यहाँ मैच हो रहा है, तो पिच कैसा स्वभाव होता है उस पिच का, उसको देखते हुए निर्भर करेगा कि टीम संयोजन क्या होता है। और अगर हम खबरों की बात करें तो जो खबरें निकल कर आ रही हैं, ऐसा भी माना जा रहा है कि हार्दिक पांड्या को भी चांस मिल सकता है। देखिए अगर हरफन मौला की जरूरत महसूस होती है गहराई में, बल्लेबाजी में गहराई के लिए, लेकिन जब अश्विन का अगर हम प्रदर्शन देखें पिछले मैच का, जिस तरह से उन्होंने शतक बनाया, तो मुझे लगता है कि वो एक बल्लेबाज, एक हरफन मौला के रूप में ही उभरे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि वहां हार्दिक के लिए कोई जगह बनती है। अगर टीम की बात करें तो अगर भारतीय टीम के अंदर रोहित शर्मा, मयंक अग्रवाल, शुभम गिल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, लोकेश राहुल, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, रिद्धिमान साहा, रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। लेकिन जब भी कोई टीम मैच जीती है तो कप्तान यही चाहते हैं कि विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ उतरे। बिल्कुल, जैसे पिछला जो एरा था महेंद्र सिंह धोनी का, उसमें तो बहुत ही रेयर ओकेशंस पे ऐसा होता था कि धोनी टीम में बदलाव करें, लेकिन विराट कोहली बड़े प्रयोगधर्मी किस्म के कप्तान हैं और वो एन मौके पे टीम संयोजन क्या रखते हैं वो कुछ कयास लगाना मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस जबरदस्त प्रदर्शन रहा है 317 रन से, बहुत बड़ी जीत है, तो यहां पर एक ही मुझे नजर आता है कि अगर कुलदीप यादव का थोड़ा सा प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा था और वो लंबे समय से खेले भी नहीं है टेस्ट क्रिकेट, तो हो सकता है कि वहां थोड़ा बहुत हमें उलटफेर देखने को मिले, लेकिन ये भी हो सकता है कि उनको एक मौका और दिया जाए। वापस हम पिछले मैच की ओर चलते हैं। इंग्लैंड ने अपने विनिंग कॉम्बिनेशन को नहीं खिलाया था, जिसका उसे खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल, विनिंग कॉम्बिनेशन को नहीं खिलाया था और रोटेशन नीति की भी काफी आलोचना की गई है, जैसे खासतौर पर बेयरस्टॉ का जो चयन नहीं किया गया उसको लेकर इंग्लैंड के ही पूर्व खिलाड़ियों ने काफी इसकी आलोचना की कि आप श्रीलंका से इतना अच्छा प्रदर्शन करके आए हैं 2-0 से जीत के, और आते ही आपने विनिंग कॉम्बिनेशन से, पहला टेस्ट जीतने के बाद विनिंग कॉम्बिनेशन से छेड़छाड़ की, तो उसका जरूर खामियाजा इंग्लैंड को भुगतना पड़ा है। लेकिन यहां पर श्रेय भारतीय टीम को दिया जाना चाहिए इस बात के लिए कि उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया और वापसी की। जैसा कि हमने बताया कि उमेश यादव को शार्दुल ठाकुर की जगह टीम में शामिल किया गया और शार्दुल ठाकुर को इसलिए रखा गया है, हटाया गया है, क्योंकि वो विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे। और अब बात आईपीएल की। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट के 14वें सत्र के लिए चेन्नई में नीलामी चल रही है। सुनते हैं अब तक आईपीएल की नीलामी में कौन सा खिलाड़ी किस टीम का हिस्सा बना, किस टीम ने अपने खिलाड़ियों को छोड़ दिया और किसको अब तक नहीं खरीदा गया। अतहर की रिपोर्ट में। आईपीएल क्रिकेट के 14वें सत्र की नीलामी में दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 16 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। अब तक 28 खिलाड़ियों की नीलामी हो चुकी है, इनमें से 11 विदेशी हैं और 17 भारतीय हैं। कुल 61 खिलाड़ियों की आज नीलामी होनी थी, इसके लिए 292 खिलाड़ियों का चयन किया गया था। इस सीजन में ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से खेलेंगे, जबकि न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर काइल जेमिनसन को बेंगलुरु ने खरीदा है। वहीं भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा को चेन्नई ने खरीदा। बॉलिंग ऑलराउंडर कृष्णप्पा गौतम की बेस प्राइस 20 लाख रुपए थी, उन्हें 46 गुना ज्यादा कीमत पर चेन्नई सुपर किंग्स ने 9 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। उन्होंने आईपीएल इतिहास के अब तक के सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर का रिकॉर्ड बनाया है। अनकैप्ड यानी ऐसे खिलाड़ी जो अब तक अपने देश के लिए इंटरनेशनल मैच नहीं खेले हैं। गौतम ने अनकैप्ड प्लेयर्स के मामले में कुणाल पंड्या का रिकॉर्ड तोड़ा। कुणाल को मुंबई ने 8.8 करोड़ में खरीदा था। चेन्नई सुपर किंग्स को ऑफ स्पिन ऑलराउंडर की जरूरत थी, ये कमी अब गौतम पूरी करेंगे। भारतीय युवा ऑलराउंडर शाहरुख खान की बेस प्राइस 20 लाख रुपए थी, 26 गुना ज्यादा कीमत पर प्रीति जिंटा की टीम पंजाब ने उन्हें 5 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। उन्होंने अब तक 31 घरेलू T20 में 2 विकेट लिए हैं और 293 रन बनाए हैं। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। मुना, भारतीय सरजमी पर मौसम बदलते रहते हैं लेकिन क्रिकेट का मौसम 12 महीने रहता है। 12 महीने रहता है, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी लग रहा है कि अभी तो संयुक्त अरब अमीरात में आईपीएल खत्म हुआ था और अब हर किसी की जुबान पर चर्चा है कि कौन टीम, किस टीम में कौन खिलाड़ी गया, क्या कॉम्बिनेशन होगा टीम का, कौन कितने में बिका। तो ये है आईपीएल का जादू जो भारतीयों के सिर पे चढ़कर बोलता है।
और इसमें फायदा हमारे देशी खिलाड़ियों को भी होता है। बिल्कुल होता है, जो हमारा भारतीय क्रिकेट इतना रिजर्व बेंच जो इतनी मजबूत हुई है, इसका कहीं ना कहीं श्रेय जरूर आईपीएल को जाता है और पूरी दुनिया इस बात को मानती है। और जैसा कि रिपोर्ट में हमने सुना कि 16 करोड़ 25 लाख में अब तक के सबसे बड़े खिलाड़ी यानी सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में क्रिस मॉरिस को चुना गया। मैं तो जीरो गिन रही थी कि कितने होते हैं 16 करोड़ 25 लाख। क्रिस मॉरिस बहुत ही आला दर्जे के, दक्षिण अफ्रीका के लिए भी उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, आईपीएल के धुरंधर हैं और एक मुझे लगता है राजस्थान रॉयल्स ने एक अच्छे खिलाड़ी पर दाव लगाया है। जी, एक जो सबसे अच्छी बात इस आईपीएल में वो ये हुई है कि पुजारा वापस आए हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे पहले कि बड़ा खर्चा था कि चेतेश्वर पुजारा जैसा, जिनको मैं कहूंगी कि वो भारतीय क्रिकेट के लीजेंड्स में अगर उनको रखा जाए, बिल्कुल टीम मैन है और इसका नजारा हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा, कैसे उन्होंने बॉडी ब्लोज झेले थे ऑस्ट्रेलियन तेज गेंदबाजों के और उनको आईपीएल में कोई टीम उन पर दाव नहीं लगाती, तो मुझे लगता है कि यहां उनको अपने धीरज का परिणाम मिला है, अच्छे प्रदर्शन का, कि उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा है और अब धोनी के कप्तानी में उनका खेल और निखर कर आएगा। और बुना यहाँ पे भारतीय युवा ऑलराउंडर शाहरुख खान की भी बात करेंगे, जिनका बेस प्राइस मात्र 20 लाख रुपए था, 26 गुना ज्यादा कीमत पर उसको खरीदा गया है। देखिए नाम में ही जादू है और जो उनका सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में प्रदर्शन रहा है, हर किसी की जुबान पर शाहरुख खान का नाम था और प्रीति जिंटा की टीम ने खरीदा है उन्हें, तो वाकई ये युवाओं के लिए, जैसे आप कह रहे थे नवीन, की युवाओं के लिए एक अच्छा मंच है जो भारतीय टीम में जगह बनाने में नाकाम रहते हैं या अभी जिनको फ्रिंज प्लेयर हम कहते हैं, वो ध्यान खींचने के लिए बहुत अच्छा मंच है आईपीएल। और अब बात फुटबॉल की, इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में इस समय चेन्नई एनएफसी और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बीच मुकाबला जारी है। सुनते हैं कौशिक की रिपोर्ट। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में चेन्नई एफसी और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बीच मुकाबला जारी है। अपने पिछले मुकाबले में एफसी गोवा से ड्रॉ खेलने के बाद दो बार की चैंपियन चेन्नई एफसी का प्ले ऑफ में पहुंचने का सपना टूट गया है। प्ले ऑफ में पहुंचने की उम्मीदें खत्म होने के बावजूद टीम अब अपने दोनों मैचों में जीत के साथ सीजन का समापन करना चाहती है। चेन्नई की टीम पिछले 7 मैचों में से एक भी मैच नहीं जीती है। दो बार की चैंपियन चेन्नई एफसी पिछले सीजन में सेमीफाइनल तक पहुंची थी, लेकिन इस बार टीम ज्यादा गोल नहीं कर पाई। चेन्नई ने इस सीजन में 183 मौके बनाए हैं और 234 शॉट टारगेट पर लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद टीम अब तक केवल 13 ही गोल कर पाई है। दूसरी तरफ हाईलैंडर्स के नाम से मशहूर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी पिछले 6 मैचों में से लगातार जीत रही है और टीम की नजरें प्ले ऑफ में जगह बनाने पर लगी हुई है। हाईलैंडर्स ने 4 मैच जीते हैं और 2 ड्रॉ खेले हैं और वो अभी भी टॉप 4 में बनी हुई है। हालांकि हाईलैंडर्स को अभी भी प्ले ऑफ के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि 4 टीमें प्ले ऑफ के शेष 2 स्थानों के लिए एक दूसरे को टक्कर दे रही हैं। वीरेंद्र कौशिक, स्पोर्ट्स स्कैन। फुटबॉल के ग्राउंड के बाद हम सीधे आपको लिए चलते हैं मुक्केबाजी के रिंग में। एशिया युवा खेलों के रजत पदक विजेता अंकित नरवाल ने मॉन्ट्रेगो में चल रहे 30वें एड्रियाटिक पर्ल मुक्केबाजी टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। बोना जी, बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है और ये अपेक्षा के अनुरूप ही उन्होंने खेला है। हालांकि सामने कड़े प्रतिद्वंदी थे उज्बेकिस्तान के, लेकिन नरवाल जो है उनका पिछला रिकॉर्ड देखिए, लगातार 3 बार खेलो इंडिया खेल में वो स्वर्ण पदक जीते हैं और जैसे कि मैं कहती आई हूं हमेशा कि खेलो इंडिया से बड़े अच्छे एक्सपोजर जो मिल रहा है, अच्छे खिलाड़ी सामने निकल कर आ रहे हैं और ये उसी की वानगी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने इस प्रदर्शन को बरकरार रखा है। एशियाई युवा चैंपियनशिप जीत चुके हैं और अब जैसे कि आप जानते हैं अप्रैल में एबा की यूथ चैंपियनशिप होने वाली है, बड़ी प्रेस्टीजियस टूर्नामेंट है, तो उसकी तैयारी के लिए ये काफी महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है। हम आपको बताते चले, 64 किलोग्राम भार वर्ग में अंकित ने उज्बेकिस्तान के लाजिजबेल फतायब को 5-0 से हराया है और अंतिम 8 में जगह बना ली और उनका अगला मुकाबला यूक्रेन के रातमीर तुर्चेनिनोव से होगा। तो ये थी अब तक की वो खबरें जिन पर हमने चर्चा करी। मोना, इस कार्यक्रम में आने के लिए और सभी खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। नजर अब तक की खास खबरों पर एक बार फिर। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में नाओमी ओसामा का मुकाबला जेनिफर ब्रैडी से होगा। अंकित नरवाल ने एड्रियाटिक पर्ल मुक्केबाजी टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 4 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला के अंतिम 2 मुकाबलों के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है और आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट के 14वें सत्र की नीलामी में दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में बस इतना ही, मुझे यानी नवीन को दे इजाजत, कल 7:20 पर एक नए संस्करण के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।